और संजय झा ने इधर कहा है कि गठबंधन के लोग भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ही मोदी बनेंगे। तो इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शाहनवाज हुसैन ने भी कहा है कि पूरा बिहार मोदी जी का इंतजार कर रहा है और आंध्र प्रदेश में भी एनडीए के खाते में 25 सीट आने वाली है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संजय झा जी सही कह रहे हैं, केजरीवाल ने जेल में आत्मचिंतन किया है, उनको लग रहा है कि मोदी आएंगे और सबको जेल में डालेंगे, तो खुद भ्रष्टाचार और जो नहीं है उनको भी वो डरा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल को बेल नहीं मिली है, वो पैरोल पर बाहर आए हैं। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके कम उम्र से कम सीट आने वाली है। इस टाइप का उत्थान एनडीए के पक्ष में है और आपको रोड शो में भी दिखाई पड़ेगा और प्रधानमंत्री जी के साथ मंत्री जी भी रहेंगे। और बताइए आप, एनडीए के आने से पहले है वो लालू यादव ने 10 सवाल किए थे बिहार दूसरे साल के, वादे कब पूरे होंगे, जो उम्मीद बोलने का वादा किया था वो कब पूरा होगा, बिहार अभी तक सड़क पर चला गंदी गंदी घूमेंगे। ऐसा है कि लालू जी जब भी कुछ बोलते हैं तो एनडीए का वोट बढ़ जाता है, ध्यान रखिए। अपना हिसाब देना, वो सरकार बना चलाए उसने क्या क्या किया, जितना उद्योगपति था भाग गया छोड़कर, काहे नहीं पूछते हैं जो उनके प्रवक्ता है सारा उद्योग। अच्छी आबो हवा है, प्रधानमंत्री का इंतजार है, प्रधानमंत्री जी एकदम बिहारी हो गए हैं, बिहार में आएंगे, आज रात रुकेंगे, कल 3 सभा करेंगे, पूरे पटना को पूरे बिहार को इंतज़ार है, पलके बिछा के प्रधानमंत्री का इंतज़ार बिहार कर रहा है। और ये सही है कि पूरे देश में माहौल है, मैं अभी विजयवाड़ा से आ रहा हूँ आंध्र प्रदेश से, वहाँ भी माहौल है, देखिएगा वहाँ 25 सीट एनडीए जीतेगा, 25। लोग कह रहे हैं साउथ में क्या होगा, हमने देखा आंध्रा में 3/4 बहुमत चंद्रबाबू नायडू।